अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोज़ देख रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस की। तो आज की वीडियो में हम एशिया सेट 7 के साथ फ्लैट डिश पे, क्योंकि डीप डिश पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, फ्लैट डिश पे बहुत कम वीडियोस हैं। अगर आपको डीप डिश पे वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, डीप डिश पे भी मैं बना दूंगा। आज की हमारी फ्लैट डिश है और इस पे हमने 88 वीडियो कौन चलानी है एशिया के साथ, जहाँ जहाँ कवरेज है आपको 2 फुट से भी ज़्यादा अच्छे सिग्नल 4 फुट पर मिलेंगे। ठीक हो गया, तो हम 83 भी ट्राई करेंगे 88 लगा के कि 83 भी साथ में आती है, क्या उसके सिग्नल फुल आते हैं या नहीं। तो वीडियो को बगैर ताखिर के जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये बैक कैमरे पे मैं आपको डिश दिखा रहा हूँ, फ्लैट डिश है 4 फुट की और इसको 26 इंच के राड लगे हुए हैं, जबकि इसके साथ एशिया और NSS6 लगी हुई है। अब हम इसके साथ 88 लगाएंगे, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, 88 और 83 इसके साथ लगा के चेक करेंगे तो ये आपकी यहाँ फुल रिसीव होती है या नहीं ये भी चेक करेंगे। और हमारे पास इस तरफ अगर आप देखें मोनोब्लॉक LNB भी पड़ी है और ये आम LNBs भी पड़ी हैं, तो हम इनका यूज़ करते हुए आज ये सेटेलाइट को ट्रैक करेंगे। 88 की स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, 11050 और जेंटल 30,000, ये स्ट्रॉन्ग है, इस पर सिग्नल आपके जल्दी आ जाते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को अब हम ट्रैक करते हैं, डिश के पास जाके देखते हैं कि इसके सिग्नल कितने हमें रिसीव होते हैं। अच्छा, ये LNB है हमारे पास, तो मैं इसको NSS6 के आपने साथ ही रखना है, कोई इतना ज़्यादा इसका फासला नहीं है। आप ये देखें, इसको यहाँ रखेंगे तो आपको सिग्नल यहाँ फुल मिल गए हैं। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, सिग्नल चेक करा दें, TV स्क्रीन पर सिग्नल आ रहे हैं, आपको शो करवा देते हैं। ये देखें, ये क्लियरली आपके पास सिग्नल 88 के आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी के, देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब LNB की पोजीशन आपको करीब से दिखाते हैं, ये दोनों LNB एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल क्लोज हैं और फ्लैट डिश है, फ्लैट पे सिग्नल हमेशा KU बैंड का ज़्यादा होता है, आपको सामने से भी नज़र आ रही होंगी। तो हमारे सिग्नल फुल हैं। अब हम जो है इसके साथ इसको पहले फिट करके चेक करते हैं कि इसके साथ हमारी इसको 83 आती है या नहीं। अभी हमारी जो है वो सेट हो चुकी है 88 वाली, NSS6 के बिल्कुल साथ में हुई है। मैं आपको इस तरफ दिखा देता हूँ, ये देखें, अगर यहाँ मैं इसकी पैमाइश नहीं कर सकती क्योंकि ये बिल्कुल करीब करीब है, यहाँ पैमाइश इनकी नहीं हो सकती, आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा इस तरफ से भी दिखा दूँ कि LNB का रुख जो है हमारा किस तरफ जा रहा है, ये सारा होता है राडों पे मुनसर। अगर देखें आपकी सी बैंड की प्लेट जो है ना वो सेंटर में लगी हुई है, LNB का रुख सेंटर में है तो सारी LNB आपकी ठीक आएंगी, अगर आपकी पहली LNB सेंटर नहीं है तो साइड वाली LNB गड़बड़ ज़रूर करेंगी। तो इसी तरह आगे चलते हैं, आपको ये सिग्नल चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे सिग्नल आ रहे हैं 87%, जो कि काफ़ी है, मतलब हमारी सेटेलाइट इन सिग्नल में चल जाएगी 88। अब इसके साथ हमारे पास एक और LNB है, तो हम एक और LNB का इस्तेमाल करते हुए टाटा स्काई लगाएंगे, यानी 83 लगाएंगे, तो वो लगाते हैं। आपको सामने नज़र आ रही है फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारी 83° की है, 83° की, ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, ये आप लगा के सिग्नल आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और LNB लगाते हैं, जाकर ट्राई करते हैं कि हमें ये कितने इसके रिसीव होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी LNB है और मैं इस LNB पर अब आपको टाटा स्काई 83° लगा के दिखाने वाला हूँ। ये माइक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीछे शोर है, थोड़ा ट्यूबवेल चल रहा है, जिसकी मैंने पीछे अपने चैनल पे कम्युनिटी में लिंक भी दिया था अपने व्लॉग वाले चैनल पे, वो वाला ट्यूबवेल चल रहा है, तो इस वजह से मैं इस माइक का यूज़ कर रहा हूँ और ये सिग्नल हमारे जो हैं आ चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन भाई से गुजारिश करूँगा कि आपको सिग्नल चेक कराएं ज़रा कैमरे से स्क्रीन पर, क्लियरली आपको सिग्नल मिल रहे हैं, ये क्लियर आ चुके हैं। अब मैं आपको ये LNB दिखा देता हूँ, इस तरफ आ जाए मेरी तरफ, LNB दिखाएँ, ये तीनों LNB साथ साथ नज़र आनी चाहिए, हैं सही सी नज़र आ रही है ना LNB, क्लियर नज़र आ रही है। हाँ जी, ये LNB आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी क्लियर हैं और फिट हैं, इन तीनों इस तरह इकट्ठी आ सकती हैं। अब इसको भी हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से एक और पतरी लेके इसको यहाँ अटैच कर लेते हैं। ये हमारी उन दोस्तों के लिए है जिनके पास मोनोब्लॉक LNB, ये उन दोस्तों के लिए है जिनके पास मोनोब्लॉक नहीं है। अगर हम यहाँ मोनोब्लॉक LNB का यूज़ करते हैं तो हमें ये दोनों LNB यहाँ से हटानी होंगी, क्योंकि हमारी एक LNB ही दोनों सेटेलाइट को कवर कर जाएगी। मेरे ख्याल में यही बेहतर है, हमें यही करना चाहिए, दो लगाने की बजाय एक LNB की बचत भी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा और दूसरी को लगाने का झंझट भी नहीं होगा। तो मोनोब्लॉक यहाँ ट्राई करते हैं क्या हमें वो दोनों सेटेलाइट का सिग्नल देती है या नहीं। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, मोनोब्लॉक जब भी आप लगाएंगे ना तो आपने जो 88 सेट की थी उसकी जगह आपने वो उस LNB को निकाल के इस LNB को लगा देना है और इसकी पोजीशन यही रहेगी जिस तरह हमने पिछली LNB लगाई थी। देखें, वो भी इसी तरतीब में आ रही थी, एक ऊपर थी एक उसके बिल्कुल बराबर थी और तीनों LNB एक दूसरे के बराबर थी। ये भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, अभी ये भी बराबर हैं, ये भी दिखाऊंगा, सिग्नल भी आपको चेक करवा देता हूँ। बताने का मकसद ये है कि हम दो LNB को लगाना यहाँ मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है,
मतलब आप एक के सिग्नल मेंटेन करेंगे तो दूसरे के आपके वीक हो जाएंगे। और ये फ्लैट डिश है, कमेंट बॉक्स हाजिर है भाइयों, आप ही के लिए काम कर, लोगों ने बताना है। अगर आपको डीप डिश पे ये वीडियो चाहिए तो डीप भी मिल जाएगी, डीप और फ्लैट का थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैं आपको LNB की पहले पोजीशन चेक करा देता हूँ। और ये जो हमारी LNB है जिसपे हमने 88 लगाना है, इसका डाइजिक नंबर 2 रहेगा मोनोब्लॉक का। और जो हमारी इस तरफ दाएं तरफ वाली LNB है उसका डाइजिक 1 रहेगा टाटा स्काई के लिए 83 डिग्री के लिए। अभी मैं आपको इनके सिग्नल चेक करवा देता हूँ और सेटिंग भी चेक करवा देता हूँ। इसके साथ 2 सेटेलाइट जो है वो चला चुके हैं। ये हमारी मोनोब्लॉक की LNB है और पोजीशन आप देख सकते हैं जिस तरह हमारी पहले की LNB थी KU बैंड वाली, सेम टू सेम वही पोजीशन है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को तसली रहे और बेहतरीन से बेहतरीन आप सेटिंग कर पाओ। और डिश हमारा फ्लैट है, ये आप दोस्तों ने याद रखना है। अब मैं आपको बगैर ताखिर के जो है सिग्नल चेक करा देता हूँ। ये हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं हमारे टाटा स्काई की। मैंने कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं की, जस्ट हमारा मकसद होता है आप दोस्तों को बताना कैसे लगती है, कहाँ लगती है। तो वो पूरा हो गया, बाकी ये MPG4 रिसीवर है, इस पर ट्यूनिंग करने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि इसने पहले पूरे चैनल नहीं उठाने। अच्छा, डाइजिक मैं एक बार फिर आपको तसल्ली करवा देता हूँ। एक तो आप दोस्तों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, जो मर्जी जो भी वीडियो अपलोड करो ना 2 मिनट से ज़्यादा कि आप दोस्तों की वाचिंग नहीं आती। तो ये देखें, ये हमारे पास लगी हुई है टाटा स्काई। और ये फ्रीक्वेंसी कोई एक आध हो जाती है बाद दफ़ा कमज़ोर, उस बात की आप लोग टेंशन ना लिया करें, बाकी की ऑलमोस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी जो हैं वो टाइट चलेंगी, उनमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला। अब यहाँ 88 लगा लेते हैं, 88 ये 88 लग गई और इसका डाइजिक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डाइजिक नंबर 2 है। तो जो फुट पे हमें अगर सिग्नल अच्छा नहीं मिलता तो हम एशिया के साथ वो सिग्नल अच्छा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी, तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।